शेर बब्बर शेर दे। ना क्या तेरा? ये पुल है, पुल के नीचे पानी है, ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और मिनट में ये हमारी मछली तैयार हो जाए, अकेला खा जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं सब खैर खरीत से होंगे। मैं हूँ अबू करीम बलोच, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, आपके लिए लाया हूँ एंड अदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ दरिया पे। ओके, जा रहा हूँ, सबसे पहले बाइक निकालूंगा। यहाँ से मैंने अपनी बाइक निकाल ली है। 20 मिनट्स लेटर हम पहुंच चुके हैं पुल के करीब। माशाल्लाह से आप यहाँ पे ग्रासी देख सकते हैं कि वाइटनेस भी है, इस ग्रासी में थोड़ी थोड़ी सी वाइटनेस भी है और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही है। छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ भी बनाई हुई हैं और ये इस देखिए ये टोकरा नुमा, ये इससे अपना कारोबार करते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं, बनाकर ये गुजारा करते हैं और इसी चीज से खाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेहनत कश लोग यहीं पे चारपाई इन्होंने बिछाई हुई हैं और यहाँ से चारपाई, यहाँ नीचे इन्होंने कच्चे मकान बनाए हुए हैं और ऊपर से ऐसी झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं और ये रिहाइश पजीर हैं। खाता हूँ कि माशाल्लाह से बादल और हल्के हल्के बादल और नीचे ये दरिया का पानी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत मंजर। हाथ हिलाओ, कैमरे चाह रहे हो तुम, हाथ हिलाओ। और शेर बब्बर शेर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा नहा रहा है और वो छोटी लड़की नलका गेर रही है और उसको नहला रही है। वो देखें अभी तक हमें ऐसे कर कर दे रहा है और खुश भी हो रहा है। तो क्या नाम है? ना के तेरा के ना है तेरा? जैसा कि बच्चे को आवाज नहीं पहुंच रही, ना के तेरा? क्या बोला, क्या बोला, क्या इम्मो इमरान? जैसा कि बच्चा अपना निक नेम बता रहा है इम्मो, मुझे लगता है इसका नाम है इमरान। अदनान, और वहां से पीछे से एक आवाज आई है बच्चे की कि इसका नाम है अदनान। हाँ, के ना है तेरा? फातिमा, ये ना आएगा दुआ फातिमा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी बच्ची अपना निक नेम बता रही है, फातो फातो, इसका नाम है दुआ फातिमा। और आपको व्यू भी दिखा सकते हैं, सूरज की किरण कैसे पानी तो पड़ रही है और पानी कैसे जगमगा रहा है और जहाँ हवा भी हल्की हल्की सी हवा भी है। हाँ जी, तो सामने फोकस देखें कितना प्यारा है यार, ये पुल है, पुल के नीचे पानी है, ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और मौसम, ओए होए होए होए, मैं आपको क्या बताऊं यार, मौसम बहुत अच्छा, सुहाना मौसम। फोकस करें ना, पानी को देखें कि पानी बबलिंग कर रहा है, ऐसे हिल रहा है पानी। हाँ जी, तो हम पुल के ऊपर आ चुके हैं। माशाल्लाह से आपको दिखा सकता हूँ कि माशाल्लाह से पुल के ऊपर खड़े हैं। पुल के ऊपर खड़े होने के बावजूद आपको दिखाया जा सकता है कि पानी कैसे बबलिंग कर रहा है और ऐसे लग रहा है कि पानी के अंदर मछलियाँ जो उनसे हैं पानी से ऊपर आती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। अच्छा। हाँ जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी कितना गहरा है, नीचे सामने कैमरा मारे तो नीचे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ये इस दरिया की लास्ट हदूद है जहाँ तक ये पानी खड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप व्यूवर्स, मंजर बहुत प्यारा है, मंजर की तो क्या ही बात है। अगर हम कैमरा जूमिंग करते हैं तो वो आपको दिखाया जा सकता है, बीच में क्या कहते हैं पड़ी हुई है वो, कैमरा जूमिंग करना ना, जूम कर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो दिखाना, सामने कश्ती दिखाना, सामने कश्ती, मुझे सब दिखाई दे रहा है। वो जूमिंग करके कश्ती आपको दिखाई जा सकती है कि कश्ती में लोग बैठे हुए हैं, पीछे एक बात लिखी हुई है, ना मस्जिद की ना मंदिर की बात तेरे अंदर की। यहाँ से अब मैं चढ़ना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे मैं हाथ रखूंगा नीचे, नीचे हाथ रखते ही
मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और अब हम जाते हैं, तो अब हम चलते हैं आगे। चलो भाई, जी हाँ, हम चनाब रंग इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ऐसा सूरज बादलों में डूबता हुआ सामने देखें, कितना प्यारा व्यू है। तो अब हम आते हैं फिश पॉइंट पे। हाँ जी, तो व्यूवर्स, हम फिश पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप मुझे भी देख सकते हैं। नहीं से पूछेंगे कि ये कैसे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी भाई जान, कितने दिए किलो भाई जान? है भाई 800 रुपए। किस दरिया की मछली है ये? दरिया चनाब की है जी। जैसा कि आप भाई की बात सुन सकते हैं कि ये दरियाए चनाब की मछली है भाई। ये एक मछली जो देख रहे हैं, ये एक मछली एक दफा तौलिएगा कि ये एक मछली कितने किलो की है। आधा किलो जो सी मछली है ना जी सर, वो बना के तो ठीक है। यूवर्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें, ये मछली को ऐसे बनाते हैं। पहले मछली को साफ किया है, फिर इसको इस मसाले लगाएंगे। देखिए इन्होंने ये पहले मसाले बना के रखे होते हैं। ये देखिए, इन्होंने सारे मसाले मिक्स करके इसको पानी डाल रहे हैं। आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना लाजमी, और बेल आइकन को भी दबा देना, और विजिट भी लाजमी करना। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। को एक बात बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से मौसम इतना हसीन हो चुका है, सुहाना मौसम है। हमने सोचा क्यों ना फिश खाई जाए। कितने साल का तजर्बा है? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल का, 10-15 साल का तजर्बा है भाई को। देखिए इसमें फिश डाली जा रही है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रहा नहीं जाता। तो कम से कम कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट में ये हमारी मछली तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिश आ चुकी है, माशाल्लाह से क्रंची क्रंची ये फिश लग रही है। ओहो बहुत उमदा। 1 लीटर की कोक भी लाया हमने। मैं ये अकेला खा जाऊंगा। माशाल्लाह से मैंने माशाल्लाह से ये मैंने चेक किया है, माशाल्लाह से टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। दिल कर रहा है ऐसे ही सारी उठाऊं और सारी मुंह में डाल दूं, पर क्योंकि कांटों की वजह से मैं इसको आराम आराम से खा रहा हूं। अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स, बहुत मज़ा आया खाने का, और कुछ खा लिया और कुछ मैंने पैक करवा लिया है। अब हम जाते हैं वापस घर, और फिर मिलते हैं आपको वहां पे जाके। और जा रहे हैं घर की तरफ वापस। बहुत मजा आया आज। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। व्यूअर्स, आपको भी बहुत मजा आएगा। नहीं, आप मेरी आईडी को विजिट लाजमी, वकर इन बलोच के नाम से मेरी आईडी है। तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, खासकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, आपको मिलते हैं अगले व्लॉग।